गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्रीय व राज्य जेलों से सजायाफ्ता कैदियों को रिहा किया गया। उसी कड़ी में इंदौर के केंद्रीय जेल से 21 कैदियों को कोरोना टेस्ट के बाद रिहा कर जीवन की नई दिशा की ओर अग्रसर किया गया। वहीं कई कैदियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। इंदौर के केंद्रीय जेल से 21 कैदियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रिहा किया गया, जिसमें से 12 कैदी इंदौर के हैं और अन्य कैदी बाहरी प्रदेश के भी हैं। बाहरी जिलों के ये सभी कैदी अलग अलग अपराधों में केंद्रीय जेल में सालों से अपने अपराध को लेकर सजा काट रहे थे। कैदियों को रिहाई से पहले माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर रिहा किया गया। जेलर द्वारा कैदियों की रिहाई के दौरान जेल की तरफ से कैदियों द्वारा किए गए पारिश्रमिक राशि प्रमाण पत्र व अन्य सामाजिक संस्थानों द्वारा तिरंगा झंडा देकर उनके द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताया गया और भविष्य में ऐसा कोई अपराध या कृत न करने की शपथ भी दिलाई गई। जिन कैदियों की रिहाई की गई, रिहाई से पहले सभी कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया गया, उसके बाद उन्हें रिहा किया गया। जेलर द्वारा बताया गया कि इनमें से कई कैदी ऐसे भी हैं जिन्हें जेल द्वारा निर्मित पेट्रोल पंप में कार्य करने के लिए चयनित किया गया है और उन्हें पेट्रोल पंप सहित अन्य संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जेल से बाहर की दुनिया में वह अपना समाज के बीच अपना स्थान प्राप्त कर सकें। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि 15 साल बाद आप अपने परिवार में अपने घरों पर जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा सर, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या सोचा है दादा यहाँ से छूटने का, क्या करेंगे, क्या कार्य करेंगे? यहाँ से छूटने के बाद जेल अधीक्षक महोदय ने मुझे यहाँ के पेट्रोल पंप पर नौकरी दी है और यहाँ नौकरी करूँगा मैं। लोगों को सर किस प्रकार की समझाइश देना चाहेंगे? समझाइश ये देना चाहूँगा कि गुस्सा 5 मिनट का होता है मगर उसका परिणाम बहुत खराब होता है। जैसे आज हम गुस्से के अंदर यहाँ आ गए और 15 साल जीवन के बेकार रहे, मतलब जीवन के 15 साल जो है बेकारी हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे। वो जो वापस समय वापस आने वाला नहीं है जो गुजर गया। अब आने वाला समय आप कैसा गुजारना चाहेंगे? बहुत शांति से और मेहनत करके गुजारना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र पर्सी एलेक्जेंडर। किस कारण से आप इस यहाँ जेल में आए थे? कहाँ पर? महू में। किसका करा था? किशनगंज के अंदर, उसके भाई का। तो कितने साल की सजा हुई थी आपको? 16 साल की। अभी कितने साल की काट चुके हैं? 16 पूरी काट दी। तो आज छोड़ रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे आप आम जनता को? जो आपराधिक दुनिया इस तरीके से अपराध गलती से होता है, तो जानबूझ के करता नहीं है, हो जाता तो परेशानी आती है परिवार को। क्या समझाइश क्या देना चाहेंगे? समझाइश है कि अपराध नहीं करना, और क्या अपराध करने से जिंदगी खराब हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं। समय जेल में रहे आपको, आपके जो आपने जो किया था उसका पश्चाताप हुआ है? और ना 16 साल परिवार से दूर रहना, परिवार परेशान होता है उसके अंदर। अपन तो करके बड़ी जेल में आते हैं, सिर्फ परिवार कितनी कागज आती है। अब क्या करेंगे यहाँ से? काम धंधा है ना, खुद के बिजनेस है, आपको दिक्कत हो ना काम धंधे के। ठीक, आपका नाम? बोलो पिता मनोहर सिंह। सर आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर केंद्रीय जेल इंदौर से जो है 21 सजायाफ्ता बंदी रिहा हुए हैं और सभी बंदियों को कोरोना टेस्ट कराकर रिहा करने की कार्रवाई की गई है। और सबसे पहले सभी बंदियों को पूर्व में भी 2 दिन पहले समझाइश दे दी गई थी कि उनको अच्छा आचरण रखना है और जिन कैदियों के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जीवन यापन का साधन नहीं है, उन बंदियों को बताया गया था कि अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश का पहला पेट्रोल पम्प केंद्रीय जेल इंदौर में प्रारंभ होने वाला है, जिसका उद्घाटन शीघ्र ही होना है। तो पेट्रोल पम्प में काम करने के लिए हमने ये नियम बनाए हैं कि जो आजीवन कारावास का बंदी है, जिनसे रिहा हो चुका है और उसका आचरण अच्छा है, ऐसे बंदी को हम रोज़गार पेट्रोल पम्प पर दें ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही पेट्रोल पम्प में काम करने के लिए हमने जो हमारे प्रहरी संवर्ग के कर्मचारी हैं, उनके बच्चे यदि काम करना चाहते हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर उसमें काम किया जाएगा। तो अभी बंदियों को हमने इस प्रकार समझाइश दी है, तो उसमें से लगभग 3 बंदी ऐसे हैं जो इच्छुक हैं, लेकिन एक बंदी ने पूर्ण सहमति दे दी है कि वो काम करने को तैयार है। अभी 2 व्यक्ति ऐसे हैं, बंदी ऐसे हैं जो असमंजस की स्थिति में है, लेकिन उन्होंने अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें हमने बुलाया है कि वो उन्हें हम रोज़गार दे सकें। सर ये जो बंदी थे जो सभी 21 बंदी छूटे हैं वो 302 के प्रकरण में है। कुछ 3-4 बंदी ऐसे हैं जो डबल आजीवन की सजा 302 के प्रकरण में है, जिन्होंने 20 वर्ष सजा पूर्ण कर ली है, लेकिन जो निर्धारित सजा है 14 वर्ष की वास्तविक सजा और रेमिशन माफ़ी मिलाकर उन्होंने 20 वर्ष भुगत ली है, ऐसे बंदी को हमने रिहा किया है। सर द्वारा सभी बंदी जिन्होंने जेल के अंदर कोई ना कोई काम किया ही है, कोई ना कोई प्रशिक्षण लिया ही है, तो ऐसे बंदियों को 72 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो
पारिश्रमिक में मिलता है उसका अनुमान लगा के उन्हें राशि प्रदान की गई है। कुछ बंदी ऐसे थे जो पैरोल महामारी पैरोल पर बाहर थे, वे आज ही जेल प्रविष्ट हुए हैं और ऐसे बंदियों को पारिश्रमिक का लाभ अभी नहीं मिल पाया है। उन्हें दो दिन के बाद बुलाया गया है कि ताकि उनके हस्ताक्षर होकर बैंक से उनके ज्वाइंट खाता से पैसे उपलब्ध करा सकें। कल ये जो भी बंदी अगर क्या अभी प्रारंभिक स्तर पर जो न्यूनतम वेजेस है कलेक्टर रेट पे 266 रुपये पर डे के हिसाब से बंदी को दी जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यदि हमारा पेट्रोल पंप में अच्छा कार्य होता है, प्रगति होती है, तो फिर बंदी को पारिश्रमिक जब मानदेय हमें जो उपलब्ध कराएंगे वो बढ़ा दिया जाएगा।